नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन है और खास बात में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं किसी गाने का लेसन नहीं पोस्ट कर रहा हूँ, सिर्फ आपके साथ एक खुशखबरी शेयर करना चाहता हूँ। मेरी किताब रिलीज हो गई है खास बात। आप में से कई लोगों ने मेरे अनाउंसमेंट सुने होंगे, तो आज इस वीडियो में मैं चाहता था आपको इस किताब के बारे में कुछ बताऊँ। बहुत सालों से इच्छा थी कि कुछ पब्लिश करूँ और बहुत से व्यूअर्स ने कहा भी कि कुछ लिखें, तो कई बार सोचा कि क्या लिखूं, और फिर मैंने सोचा कि किताबों के ज़रिए मैं इंस्ट्रूमेंट बजाना तो नहीं सिखा पाऊँगा, वो मैं लेसन्स के थ्रू दिखाता ही हूँ, तो क्यों ना एक हैंडबुक बनाओ जहाँ आपको मेरे जितने भी कॉन्सर्ट्स जो मैंने आज तक दिखाए हैं वो आपके साथ मैं शेयर कर सकूँ, ताकि आप इसे एक हैंडबुक यानी रेफरेंस बुक के हिसाब से यूज़ कर सकें। ये किताब अमेज़ॉन पर अवेलेबल है, वहाँ पर आपको पेपरबैक वर्जन और इलेक्ट्रॉनिक वर्जन दोनों मिल जाएंगे। ये आपका पेपरबैक वर्जन है और ये आपका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है। आप फ़ोन पर भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपके पास अगर अमेज़ॉन का रीडर हो जिसे किंडल रीडर कहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। फ़ोन पर आपको किंडल रीडर का ऐप चाहिएगा और उसे आप एप्पल या गूगल के प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ से आप अमेज़ॉन पर जाकर आप इस किताब को खरीद सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट अमेज़ॉन के वेबसाइट पर जाएं, वहाँ से खरीदें और वो आपको ऑप्शंस बता देगा कि आप इसे कैसे अपने फ़ोन पर या टैबलेट पर या किंडल रीडर पर डाउनलोड कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक वर्जन अपने पास रखें, आपके काम आएगा, लेकिन मैं फिर भी रेकमेंड करूँगा कि आप इस प्रिंटेड वर्जन को ज़रूर खरीदें। करीब 300 पन्ने हैं इसमें और बहुत से गानों के कॉर्ड्स हैं। बॉलीवुड के गानों में जो तरह तरह के स्केल्स यूज़ किए जाते हैं, तरह तरह के कॉर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, जिनके बारे में मैं अपने लेसन में बताता हूँ, उसके बारे में आपको इस किताब में डिटेल में जानकारी मिलेगी। वेस्टर्न म्यूज़िक और हिंदुस्तानी स्वर दोनों के नाम मैंने लिए हैं, और जहाँ जहाँ हो सका मैंने रागों के बारे में भी जिक्र किया है। बुक में सभी जगह कॉर्ड्स के पिक्चर्स हैं, वो मेरे लेसन से ही लिए हुए हैं, और बुक में करीब 150 गाने के कॉर्ड्स हैं। और जिस तरह मैं हर लेसन में खास बात में थोड़ी बहुत बातें समझाता हूँ, वो बातें भी आपको इस बुक में मिल जाएंगी। ये रहे कुछ चैप्टर्स की झलक, और ये एक झलक किताब के अंदर जो है। इस पेज पर आप देख रहे हैं जैसे कि दो गाने लिस्टेड हैं, उनके कॉर्ड्स हैं और कॉर्ड्स के फोटोज भी हैं, स्केल चार्ट, कॉर्ड लाइब्रेरी, स्वरों के नाम, गानों का इंडेक्स, और ये खास बात के बारे में। बहुत लोगों ने कहा कि मैं बताऊं कि कैसे मैं खास बात तक पहुंचा, तो मैंने अपने लाइफ की म्यूजिकल जर्नी के बारे में भी कुछ बातें की हैं, शायद आपको अच्छा लगे। तो आप इस बुक को एक रेफरेंस बुक के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। बजाते वक्त आपको अगर सही पैटर्न समझना है तो आपको मेरे लेसन्स देखने होंगे। बुक में जितने भी गानों के कॉर्ड दिए गए हैं उन सब पर मैंने लेसन्स पोस्ट किए हैं, उन्हें अगर आप खोजना चाहें तो गूगल पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, मेरे वेबसाइट पे जाएं khaspath.in, सारे लेसन्स वहाँ पर आपको सजाए हुए मिल जाएंगे। और अगर लेसन्स खोजने में कोई तकलीफ हो तो आप मुझे मैसेज करें। और भी बहुत सी बातें हैं इस किताब में, बहुत से बेसिक म्यूजिकल कॉन्सेप्ट मैंने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की है। वैसे तो और बहुत से बुक्स हैं जिनमें आपको ये बातें मिल जाएंगी, लेकिन इस एक किताब के जरिए आपको वो सारी बातें मिल जाएंगी जो आपको एज ए रिदम गिटारिस्ट काम आएंगी। तो एक बार फिर से खास बात, आप इस किताब को अमेज़ॉन पर खरीद सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन पेपरबैक वर्जन दोनों मिल जाएंगे। इस वीडियो को देखते वक्त हो सकता है आपको ये पेपरबैक वर्जन amazon.in यानी कि इंडिया के अमेज़ॉन साइट पे ना मिले। किताब जो है प्रिंटिंग में जा चुकी है और एक दो हफ्ते में आपको ज़रूर मिल जाएगी। वैसे इंडिया के बाहर और भी जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर अमेज़ॉन है, amazon.com, amazon.uk, amazon.ca वगैरह वगैरह, आप अगर उन कंट्रीज़ में हो तो आप प्रिंटेड वर्जन ऑर्डर कर सकते हैं, आपको हाथे हाथ डिलीवरी मिल जाएगी। थोड़ा इंतज़ार करें, इंडिया में भी ये लॉन्च हो जाएगा। जैसे ही अवेलेबल हो जाएगा मैं अपने वेबसाइट पे और अपने चैनल पे अनाउंसमेंट्स जरूर करूंगा। अगर आपको पेपरबैक वर्जन के रिलीज के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट पे जाके अपना नाम और व्हाट्सएप नंबर दें, मैं वो पेपरबैक कॉपी रिलीज होते ही आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अगर मेरे लेसन्स को देखते हैं तो आप इस किताब को जरूर पढ़ने की कोशिश करेंगे, मुझे अपना फीडबैक जरूर दें, और अगर सबका साथ मिला, सबका प्यार मिला, तो मैं ऐसे भी और भी बुक्स आगे में पब्लिश करने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरे लेसन्स हमेशा की तरह देखते रहेंगे और मुझे अपना फीडबैक देते रहेंगे। अगले हफ्ते खास बात में फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।